मैं मधु शर्मा, लॉर्ड महावीरा की प्रिंसिपल। आज हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स की सेलिब्रेशन है। सभी दादी दादा, नानी नाना बच्चों के आए हैं, क्योंकि ये हमने उनके लिए प्रोग्राम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि दादी दादा जी का और नाना नानी जी का जो प्यार है वो माँ बाप से भी बढ़कर होता है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस रिश्ते से थोड़ा सा दूर जा रही है, क्योंकि सभी की फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रही हैं आजकल। तो हमारा जो आज का थीम है वो यही पे है कि जो फैमिली है, जो परिवार है, उसके सभी सदस्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और दादी दादा विशेष करके। और उनको कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और वो उनको कोई भी उनका सहारा नहीं है। और स्पेशली हमने ये उनके लिए कार्यक्रम रखा है, आज वो गाएंगे, नाचेंगे और बच्चों के साथ बच्चे बनेंगे। तो मैं आप सभी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ जुड़ें।
अभी दो ही आइटम्स देखी और जिस तरीके से बच्चे कर रहे थे ना ही मेरा दिल कर रहा था यहाँ से। हमारी नौकरी में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होता है कि लॉर्ड महावीरा स्कूल के मैनेजमेंट ने मेरे से बात की थी आज के लिए, तो आज और दो तीन इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं कुछ, यहाँ कुछ मिनिस्टर्स वगैरह ने आना है, तो आई वॉज टू बिजी। पर जब इन्होंने मुझे कंसेप्ट बताया कि ये, मैंने पूछा आपकी ओकेजन क्या है, थॉट कि शायद एनुअल डे होगा या कुछ इस तरीके से होगा, तो आई वॉज टोल्ड कि हम ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनका कंसेप्ट ही इतना बढ़िया था कि मैंने कहा ग्रैंड सल्यूट फ्रॉम माई साइड, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे पास टाइम हो या ना हो मुझे टाइम निकाल कर किसी भी तरीके से इसके लिए, चाहे मेरे को आइडिया था मैं एक घंटा निकाल लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम की थोड़ी सी कमी होने के कारण मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आई रियली थैंक यू ऑल, आपकी पूरी मैनेजमेंट को कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।